हेलो दोस्तों, मैं चंद्रवान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, आज मैं जा रहा हूं बटेश्वर, जो कि मेरे घर आगरा से ही आगरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो कि 80 किलोमीटर दूर है। और ये मेरी पहली साइकिल राइड है और ये मैं साइकिल से जा रहा हूं, तो देखते हैं मैं कहां तक पहुँच पाता हूँ या 80 किलोमीटर आज एक दिन में चल पाता हूँ कि नहीं। अगर नहीं चल सकता हूँ तो देखते हैं, रास्ते में कहीं विश्राम करेंगे, रात वहीं गुजारेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ चंद्रा ब्लॉग में। और दोस्तों, ये मेरी साइकिल चलने को तैयार है, मेरा सारा सामान इस पर लोड हो चुका है जिससे मैं ये साइकिल यात्रा करूँगा। ये देखिए, मैंने सुबह 8 बजे अपने घर से ये राइड शुरू की है और जो कि मैं 80 किलोमीटर यहाँ से बटेश्वर है, वो भी आगरा डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। और ये दोस्तों मेरी पहली राइड है और मुझे आपका सपोर्ट, आपका आशीर्वाद चाहिए। तो मैं ये देखता हूँ कि मैं आज बटेश्वर पहुँच पाता हूँ कि नहीं, और अगर नहीं पहुँचता हूँ तो रास्ते में कहीं भी रात को रुक जाएंगे, वहीं विश्राम करेंगे। ये मेट्रो का काम जोरों से चल रहा है, तो आपको दिखलाते हैं किस तरह से यहाँ मेट्रो का काम चल रहा है और जल्दी से जल्दी ये शुरू होने भी जा रही है। ये देखिए, मेट्रो का स्टेशन बसई बनकर तैयार है, जो कि अगले साल मार्च तक यह मेट्रो चालू हो जाएगी। से निकलते ही करीब 6-7 किलोमीटर दूर आए हैं और ये बारिश शुरू हो गई है, तो थोड़ा हमने साइकिल अपने यहाँ खड़ी करके थोड़ा बारिश से बचने के लिए खड़े हो गए हैं। जैसे ही बारिश बंद होती है तो हमारी साइकिल राइड, साइकिल यात्रा बटेश्वर के लिए फिर से शुरू हो जाएगी। दोस्तों ये देखिए, इस समय यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है और यहाँ से अभी बटेश्वर का दिन करीब 60 किलोमीटर दूर है, तो अभी हमको यहाँ 15 मिनट हो गए हैं रुके हुए। तो देखिए आप किस तरह से बारिश हो रही है। और ये देखिए, सभी लोग ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और यहाँ बारिश से बचने के लिए एक 3 सेट में आए हुए हैं। दोस्तों ये देखिए, मैं इस समय 9 मील के पास हूँ और यहाँ पर देखिए, मैं 2 घंटे से रुका हुआ हूँ और बारिश लगातार हो रही है। इस समय बारिश हल्की हो गई है, तो हल्की हल्की बारिश में ही मैं अपनी यात्रा जारी रखता हूँ। तो चलिए चलता हूँ मैं, और बने रहिए मेरे साथ। और बारिश कम से कम 2 घंटे हो गए हैं, 2 घंटे से बारिश बंद नहीं हुई है, तो चलिए हमारा बारिश में सफ़र जारी रहेगा। और हम यहाँ थोड़ा इसलिए भी रुके हैं कि हमको यहाँ चाय बनवाना है, चाय बनवाइए और हम यहाँ सर चाय पियेंगे। चाय पीने के बाद फिर उसके बाद हम अपना सफ़र जारी रखेंगे। हेलो दोस्तों, देखिए इस समय हम फतेहाबाद आ चुके हैं। फतेहाबाद यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है और हमने यहाँ पर ब्रेक लिया था और हम घर से जो खाना लेकर के आए थे वो खाना खाया, क्योंकि दोपहर हो चुकी है, भूख भी लग रही थी।
तो खाना खाने के बाद और अब हम ब्रेक लेने के बाद हम वापस अपनी यात्रा यहाँ से जारी रखते हैं बटेश्वर के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ चंद्र ब्लॉग में। तो दोस्तों देखिए, हमने यहाँ फतेहाबाद से 1 किलोमीटर पहले हमने यहाँ विश्राम किया, थोड़ा हमने ब्रेक लिया और हमने यहाँ खाना भी खाया। और ये सर यहाँ थे, तो सर आपका नाम क्या है? जी हमारा SK सिंह है, और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा भाई साहब। जो भाई साहब कार्य कर रहे हैं, ज्ञानवर्धक भी है और मतलब बहुत अच्छा कार्य है, मतलब इससे कुछ अच्छा ही मिलेगा लोगों को और बहुत जानकारी होगी। हमें भी बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई भाई साहब से बात करके, और इन्होंने हमारा हौसला भी बढ़ाया, इससे हमें भी प्रेरणा मिलती है। जितना आप हमारा हौसला बढ़ाएंगे उतना ही हमें एक हिम्मत मिलेगी और अच्छे से हम ये साइकिल राइड करेंगे। और इससे भी आगे जो मेरा टारगेट है, अभी मैं छोटी छोटी राइड कर रहा हूँ, इससे भी जो मेरा आगे जो टारगेट है वो है मेरा कश्मीर से कन्याकुमारी। तो आप इंतज़ार करिए, मैं आगे कश्मीर से कन्याकुमारी की 3000 किलोमीटर की राइड करूँगा। तो दोस्तों देखिए, इस समय हम फतेहाबाद में बाईपास से ना जा कर के हम फतेहाबाद सिटी यानी कस्बे के अंदर से जा रहे हैं, क्योंकि कुछ अंदर का भी आनंद लीजिए बाज़ार का। और ये देखें, और ये भी आपको दिखाना है कि फतेहाबाद कस्बा किस तरह का है। दोस्तों ये देखिए, हमने फतेहाबाद कस्बा पार कर लिया है, और पार करने के बाद हम वापस बाईपास पर आ गए हैं, जो कि बटेश्वर यहाँ से 33 किलोमीटर है। ये सामने आप बोर्ड देख लीजिए, देखिए इस समय हम फतेहाबाद नया पुरा पर हैं, जहाँ से कि बटेश्वर जो है 25 या 26 किलोमीटर दूर है। और बारिश शुरू हो चुकी है, तो थोड़ा हम यहाँ रुके हुए हैं। और यहाँ देखिए, हमने चाय भी बनवाई है और चाय पीते हैं, थोड़ा इंतज़ार करते हैं बारिश बंद होने का, उसके बाद फिर हम अपनी बटेश्वर की यात्रा जारी रखते हैं। ये चाय का स्टॉल है, यहाँ पर हमारी चाय बन रही है। दोस्तों हमने चाय पिया, चाय बहुत टेस्टी था। चाय पीने के बाद अब हमने, हल्की हल्की बारिश हो रही है और इसी बारिश में हम अपनी साइकिल यात्रा को जारी रखे हुए हैं। दोस्तों अब जो आगे जो नदी आ रही है, ये राजस्थान से होकर उटंगन नदी आ रही है, जो कि आगे चल कर के यमुना नदी में यह मिल जाएगी। रोड से आए थे आगरा से, और यहाँ से बाहा जो है 7 किलोमीटर आगे है, और इसी तिराए से बटेश्वर धाम जो है 7 किलोमीटर है, और हमारी बाइसाइकिल वहाँ खड़ी हुई है। अभी हम यहाँ चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद थोड़ा विश्राम करेंगे, फिर हम उसके बाद चलते हैं बटेश्वर धाम मंदिर, जो कि यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। और आज रात को हम वहीं बटेश्वर धाम में स्टे करेंगे, और सुबह, कल सोमवार है, सावन का आखिरी सोमवार है, तो
उस सोमवार के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। दोस्तों ये देखिए, हम सुबह 8 बजे घर से निकले थे और ये हमारा सफ़र जो है 4 बजे समाप्त हो जाएगा, जो कि हम 80 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। ये भोले के भक्त सोरों से गंगाजल लेकर के आ रहे हैं शिव मंदिर बटेश्वर नाथ के लिए। और जो आप ये रेलवे ट्रैक ऊपर देख रहे हैं, यह है आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से इटावा के लिए जाता है। और यहाँ पर इससे आगे बटेश्वर रेलवे स्टेशन है, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का पैतृक गांव है। दोस्तों देखिए, यहाँ से जो है यमुना के बीहड़ शुरू हो गए हैं और अब हमको जो अपनी यात्रा करनी है वो हमें इन यमुना के बीहड़ों से ही होकर के गुज़रना है, क्योंकि जो बटेश्वर धाम, जो ब्रह्मलाल जी जो मंदिर है भगवान भोले शंकर जी का, जो 103 मंदिरों की जो श्रृंखला है वो यमुना नदी के किनारे है। तो चलिए आप देखिए यमुना के किस तरह से यहाँ बीहड़ हैं। दोस्तों देखिए, आखिरकार हम 80 किलोमीटर की अपनी यात्रा पूरी कर बटेश्वर धाम आ चुके हैं। हेलो दोस्तों देखिए, मैं इस समय बटेश्वर धाम आ चुका हूं और मैं यहां थोड़ा विश्राम कर रहा हूं एक आश्रम पर, और अभी मैं यहां रुकने की अपनी व्यवस्था देखता हूं, कहीं मुझे धर्मशाला में रूम मिलता है। और कल सावन के महीने का आखिरी सोमवार है, तो यहाँ पर एक कल मेला भी रहेगा, तो मैं अपना ब्लॉग जो है यहीं समाप्त करता हूं दोस्तों। और ये जो साइकिल राइड थी, मैं इसका ब्लॉग यहीं समाप्त करता हूं, और जो अगला जो ब्लॉग मेरा आएगा कल बटेश्वर धाम का, जो 103 मंदिर की श्रृंखला है, वो आपको मैं अगले अपने ब्लॉग में दिखलाऊंगा और दर्शन कराऊंगा आपको यहां के बटेश्वर धाम के। तो चलिए, और अगर मेरा ये ब्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़। धन्यवाद।